तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में देखा था तो जिन लोगों ने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो एक बार जाके देख लीजिए क्योंकि इस थ्री ज्योमेट्री के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसी का है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन को एक बार ये समझ में आ गया बेस मजबूत हो गया फिर उसके ऊपर हम लोग बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक किया था डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन डेरेक्शन को आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है क्या कंडीशन चाहिए रहता है और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे और फिर इसके ऊपर हम लोग 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे और वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चनस uh, भी मिलेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स कैसे निकालते हैं ठीक है और फिर बाकी हम लोग और कंटिन्यू करते देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि लाइन यूनिकली डिटर्माइंड कब होगा मतलब कब आप कह सकते हो कि हाँ निश्चित तौर पर यही जो लाइन है इसी का इक्वेशन हम लोग को हम लोग लिख सकते हैं मतलब एक डेफिनेट लाइन है तो दो कंडीशंस क्या हो सकते हैं पहला ये है कि आपको ये दे, दे दिया जाए कि कोई एक पॉइंट से जो है लाइन पास कर रहा है मान लो ये हमारा लाइन एल है और यहाँ पर कह दिया गया है कि ये जो पॉइंट ए है यहाँ से लाइन पास कर रहा है ठीक है एक गिवन पॉइंट से लाइन पास कर रहा है और फिर उसका आपको डायरेक्शन मिल गया क्योंकि अगर ये पॉइंट्स है तो पास करते हुए बहुत सारे लाइन हो सकते हैं है ना लेकिन एक बार आपको डायरेक्शन अगर पता चल गया कि किस डायरेक्शन में ये लाइन जा रही है तो ये पॉइंट पता चल गया डायरेक्शन पता चल गया तो फिर आप यूनिकली ये लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो ठीक है एक वो कंडीशन हो गया और दूसरा कंडीशन होता है कि कोई दो पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं ये पॉइंट ए और फिर और एक यहाँ पर मान लो पॉइंट बी भी, भी आपको पता है जहाँ से लाइन पास कर रहा है वो हम लोग बाद में देखेंगे पहले हम लोग ये पहला केस लेते हैं और जब भी हम लोग इक्वेशन दे, देखते हैं तो हमारा दो चीज़ जो है साथ में चलते रहेगा एक है वेक्टर फॉर्म जिसमें कि हम लोग सब कुछ वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे है ना और फिर दूसरा है कार्टेशियन फॉर्म जिसमें कि हम लोग ये एक्स वाई जेड इसके टर्म्स में लिखेंगे तो दोनों इंटरचेंजेबल है मतलब एक से आप दूसरे में जा सकते हो तो देखते हैं हम लोग दोनों तो सबसे पहला केस देखते हैं इस केस में क्या कहा जा रहा है कि आपको एक पॉइंट दे दिया गया है मान लो कि ये जो ए है इससे ये लाइन पास कर रहा है अब वेक्टर फॉर्म मतलब क्या कि आपको इसका पोजिशन वेक्टर पता रहेगा मतलब कि ओरिजिन से जो है इसका जो भी पोजिशन वेक्टर बन रहा है ए वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर से जनरली डिनोट करते हैं तो वो ए वेक्टर मुझे पता है तो मुझे ये पॉइंट पता है और मुझे क्या पता है कि ये जो हमारा लाइन है ये पैरेलल है ये सम डी वेक्टर का ठीक है तो जैसे ही डी वेक्टर के पैरल है मतलब कि अक्की डरेक्शन पता चल गया तो डायरेक्शन हमें यहाँ से मिल जाएगा और ये इस पॉइंट से पास कर रहा है तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं ये लाइन का तो इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो तो मान लो मैंने कहा कि लाइन के ऊपर ये जो आर है जिसको कि मैं पोजिशन वैक्टर इसका आर वैक्टर कह रहा हूँ मतलब कि ऑरिजिन से जो इसको जोड़ेगा उसको मैं आर वैक्टर कह रहा हूँ तो इसका कोई भी एक जनरल पॉइंट है आर ठीक है जिसको मैं आर वेक्टर कह रहा हूँ मतलब आर वेक्टर जो है ये सारा जितना भी पॉइंट्स है ये लाइन पर वो सारे को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कोई भी ये जनरल हमारे पास पॉइंट है आर वेक्टर तो हमें वही इक्वेशन ढूंढना है जो कि जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लाई कर रहे हैं वो सेटिस्फाई करेंगे है ना तो अब हमें हमारे पास क्या है बहुत सिंपल है कि ये ए ए आर वैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं है ना हमें पता है ओ ए वैक्टर प्लस ए आर वैक्टर इज इक्वल टू ओ आर वैक्टर मतलब ए आर वैक्टर आपका सीधा आ जाएगा ओ आर वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर ओ आर वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर तो ए आर वैक्टर को हम लोग लिख सकते हैं आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर है ना ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था तो अब जैसे ए आर वैक्टर आ गया और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो वैक्टर है इसके पैरेलल है है ना तो हम लोग ए आर वैक्टर को क्या लिख सकते हैं लैमडा टाइम्स डी वैक्टर यह हम लोगों ने वैक्टर एल्जेवरा में देखा है ठीक है कि दो वैक्टर्स अगर पैरल हैं कोलिनियर हैं तो फिर ए आर वैक्टर को हम लोग लैमडा टाइम्स दिस वैक्टर लिख सकते हैं लैमडा टाइम्स डी वैक्टर तो ए आर वैक्टर हमारा क्या है आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर है ना आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर इज इक्वल टू सम लैमडा डी वैक्टर तो इसको अगर दूसरे साइड लेके जाते हैं तो आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैमडा टाइम्स डी वैक्टर तो यही जो है ये हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो गया ठीक है तो आपको जब भी इस फॉर्म में दिया गया है तो फिर आपको ये समझना होगा कि ये जो ए वेक्टर है ये इस पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब कि किस पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है और फिर प्लस लैमडा डी वेक्टर और ये जो डी वेक्टर है ये आपका डिरेक्शन वेक्टर है मतलब कि आपका डिरेक्शन ये दिखा रहा है ठीक है तो अगर ये चीज़ दिया हुआ है तो आपको यहाँ से यहाँ जाना आना चाहिए और फिर अगर ये चीज़ दिया गया है तो इसको इस तरीके से आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए ठीक है कि ये जो पहला वेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से पोजीशन से पास कर रहा है और ये जो दूसरा है ये डायरेक्शन वेक्टर आपका दे रहा है अब सेम चीज़ को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं अब जैसे ही कार्टेशियन फॉर्म में आते हैं तो जब हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट ए से पास कर रहा है तो मैं उसका पोजिशन वैक्टर नहीं कहूँगा मैं कहूँगा कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है ठीक है अब दोनों बात तो सेम ही है है ना जैसे ही मेरे को पता चल गया कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन जेड वन, वन है तो हम इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं है ना ओ ए वैक्टर जिसको हम लोग स्मॉल ए वैक्टर से डिनोट करते हैं तो वो क्या होगा एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप ठीक है तो ये हमारा स्मॉल ए वैक्टर भी हम लोग लिख सकते हैं और फिर आपको कहा जा, जाता है कि ये जो है पैरेलल टू तो सम वेक्टर डी वेक्टर है जिसका कि डायरेक्शन रेशियोज है ए बी सी ठीक है तो यहाँ पर आपको डिरेक्शन रेशियोज दिया जाएगा तो डिरेक्शन रेशियो जैसे ही पता चल गया तो हम लोग डी वेक्टर लिख सकते हैं है ना ए आई क्या प्लस जे कैप प्लस सी के कैप ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि कोई भी वेक्टर का अगर डरेक्शन रेशियो पता है तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा सीधा ए आई क्या प्लस जे कैप प्लस सी सी के कैप ठीक है तो यहाँ पर हमें सेम मतलब हम लोग इसको सेम इसके तरह सोचना चाह रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर x1 y1 z1 दिया गया था तो a वेक्टर लिख दिया और फिर इसका डायरेक्शन रेशियो हमें पता है तो यहाँ पर हम लोगों ने d वेक्टर लिख दिया ठीक है अब हम लोग क्या कहेंगे कि कोई भी इसके ऊपर जनरल पॉइंट हम लोग ले लेते हैं एक्स वाई जेड है ना जो कि जैसे एक्स वाई जेड वेरी होगा तो सारा पॉइंट्स कवर हो जाएगा तो आर अगर एक्स वाई जेड है तो आर इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं है, है ना एक्स आई कैप प्लस वाई जे का प्लस जेड के का तो अब फिर से ये सेम चीज़ आ गया कि हमारे पास आर वैक्टर पता है हमें ये ए वेक्टर पता है और हमें डी वेक्टर पता है तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं ए आर वैक्टर इज इक्वल टू लैमडा टाइम्स डी वेक्टर है ना तो ए आर वैक्टर क्या हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वैक्टर इज इक्वल टू लैमडा टाइम्स डी वेक्टर तो अब आर वेक्टर माइनस ए वैक्टर क्या होगा एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप एंड दिस इज इक्वल टू लैमडा टाइम्स दिस तो लैमडा टाइम्स ए आई कैप प्लस लैमडा टाइम्स बी जे क्या प्लस लैमडा टाइम्स सी के क्या तो इसमें अगर कंपेयर करेंगे आई कॉम्पोनेंट आई कॉम्पोनेंट आपका सेम होना चाहिए एक्स कॉम्पोनेंट्स है ना तो एक्स माइनस एक्स वन शुड बी इक्वल टू ए लैमडा यहाँ से ये आ जाएगा फिर वाई माइनस वाई वन शुड बी इक्वल टू बी लैमडा फिर जेड माइनस जेड वन शुड बी इक्वल टू सी लैमडा तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए अगर लेंगे तो वो भी लैमडा के इक्वल होगा वाई माइनस वाई वन बाई बी वो भी लैमडा के इक्वल जेड माइनस जेड वन बाई सी वो भी लैमडा के इक्वल तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिख सकते हैं कि एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी अब यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी आपको इस फॉर्म में दिया गया है डेटा है ना तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना आना चाहिए है ना कि एक्स वन वाई वन जेड वन दिया है तो एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन और फिर नीचे में डिवाइडेड बाई जो भी डिरेक्शन रेशियोज है इस लाइन के है ना ए बी सी ए बी सी और फिर जब भी इस फॉर्म में आपको इक्वेशन पता है तो यहाँ से आपको ये इंटरप्रेट करना चाहिए आना चाहिए कि ये x1, y1, z1 पॉइंट से पास कर रहा है और ये जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है वो आपका होगा ए बी सी ठीक है और फिर अगर ये वेक्टर फॉर्म में है इस फॉर्म में दोनों सेम ही चीज़ है है ना यहाँ पर अगर r वेक्टर को आप xi आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखते हो ए वेक्टर को आप एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड जेड वन के लिखते हो लैमडा टाइम्स फिर ये चीज़ तो यहाँ जो हम लोगों ने लिखा है और ये जो हम लोगों ने लिखा है दोनों सेम ही चीज़ लिखा है ठीक है तो ये दोनों में आपको यूज़ करने आना चाहिए ठीक है और फिर जहाँ पर जो हम लोग को कन्वीनियंट लगेगा जहाँ पर जिसका जिसको यूज़ करने से आसान पड़ जाएगा हम लोग या तो वेक्टर फॉर्म में यूज़ करेंगे या फिर कार्टेशियन फॉर्म में यूज़ करेंगे लेकिन दोनों से आप बहुत फैमिलियर होने चाहिए अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं जबकि हमें पता है कि जो लाइन है वो दो गिवन पॉइंट से पास कर रहा है तो मान लो एक पॉइंट दिया गया है कि ए है ना तो वेक्टर फॉर्म में क्या कहा जाएगा कि इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है ठीक है ओ ए वैक्टर और दूसरा जो पॉइंट है वो बी बी वेक्टर उसका पोजिशन वैक्टर है सेम चीज़ कार्टिशन फॉर्म में क्या कहेगा कि पॉइंट ए से पास कर रहा है एक्स वन वाई और फिर पॉइंट बी से पास कर रहा है एक्स टू वाई टू ठीक है अब इस केस में अगर हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हम लोग फिर से क्या करेंगे एक जनरल कोई भी पॉइंट ले लेंगे इस पर है ना आर जिसको मैं आर वेक्टर कह रहा हूँ तो तीनों सेम लाइन पर है मतलब तीनों कोलिनियर होने चाहिए तो ए आर वेक्टर अगर हम लोग निकालते हैं जो कि होगा आर वेक्टर माइनस ए वैक्टर तो दिस शुड बी इक्वल टू सम लैमडा टाइम्स ए बी वैक्टर है ना क्योंकि कोलिनियर है तो और ए बी वैक्टर क्या होगा बी वेक्टर माइनस ए वैक्टर है ना ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ये चीज हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर तो फिर ए बी वैक्टर निकालना है तो ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर तो बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर तो इसमें ए आर वैक्टर क्या हो जाएगा आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर इज इक्वल टू लैमडा टाइम्स फिर ये ए बी वैक्टर मतलब बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर तो यहाँ से क्या आ गया कि आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैमडा टाइम्स बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर ठीक है तो इसमें आप कोई ये बोलेगा कि यहाँ पर मैं बी वेक्टर भी ले सकता था तो हाँ बिल्कुल आप वो भी ले, ले सकते हो कि आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस फिर लैमडा टाइम्स जो भी आपका यहाँ पर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है ना तो पासिंग थ्रू अ पॉइंट और फिर तो ये आपका पोजिशन वैक्टर हो गया और ये जो है ये आपका डिरेक्शन वैक्टर हो गया कि आपका डिरेक्शन यहाँ पर मिल रहा है अब सेम चीज़ कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं कि एक पॉइंट से पास कर रहा है एक्स वन वाई वन जेड वन दूसरा पॉइंट है एक्स टू वाई टू जेड टू तो हम लोग क्या करेंगे कि एक जनरल पॉइंट ले लेंगे एक्स वाई जेड ठीक है अब सेम चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि ए आर वैक्टर शुड भी इक्वल टू लैमडा टाइम्स ए वी वैक्टर अब ए आर वैक्टर कैसे निकलेगा एक्स माइनस एक्स वन आई कैप है ना यहाँ पर फिर से अगर आपको और लिखना है तो ए वैक्टर को आप क्या लिख सकते हो एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस z1 वन के कैप ठीक है फिर r वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप है ना तो जैसे ही मुझे ए आर वैक्टर चाहिए तो r वेक्टर माइनस ए वैक्टर मतलब x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप दिस इज इक्वल टू लैमडा टाइम्स फिर ए बी वैक्टर जैसे ही चाहिए तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 टू माइनस वाई वन जे क्या प्लस जेड टू माइनस जेड वन के और फिर यहाँ पर लेमडा टाइम्स था तो फिर सबके आगे आपका लैमडा 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 तो इससे क्या आ जाएगा कि x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैमडा टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन है ना ये फिर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैमडा टाइम्स वाई टू माइनस वाई वन फिर जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू लैमडा टाइम्स जेड टू माइनस जेड वन तो यहाँ से अगर रेशियो लेंगे x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन दिस इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन दिस इज इक्वल टू जेड माइनस डेड वन बाई जेड टू माइनस वन तो ये आपका जो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ गया ठीक है तो ये सेम ही चीज़ लिखा गया है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ठीक है यहाँ पर अगर आर वेक्टर को आप ले लोगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड जेड के ए वेक्टर को ये ले लोगे और फिर बी वेक्टर को आप लोग ले सकते हो एक्स टू वाई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के तो दोनों सेम ही चीज़ लिखा गया है तो अगर मैं समराइज करूं अभी हम लोगों ने जो देखा तो पहला हम लोगों ने देखा कि जब पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट मतलब एक कोई पॉइंट है वहाँ से पास कर रहा है और फिर कोई एक डायरेक्शन दिया गया है तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू जहाँ से भी पास कर रहा है ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ये डी वेक्टर है ना और फिर सेम चीज को अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो x माइनस एक्स वन बाई फिर इसका डिरेक्शन रेशियो a इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज ईक्ल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी और सेम चीज़ अगर टू पॉइंट फॉर्म में है कि दो गिवन पॉइंट्स हैं तो r वेक्टर क्या हो जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैमडा टाइम्स ये डिरेक्शन है ना b वैक्टर माइनस ए वैक्टर और सेम चीज़ यहाँ पे लिखना है तो x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन तो इस चीज़ को जो है पूरा बैठ के रट्टा लगाना जरूरी नहीं है है ना ये चीज़ समझ लो कैसे हम लोग उन्होंने डिराइव किया वैसे करके डिराइव करो और फिर इतना बार ये सब यूज़ करेंगे कि दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा लेकिन समझना जरूरी है आपको ठीक है कि यहाँ पर एक्स वन वाई वन जेड वन लिखे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से पास कर रहा है ए बी सी लिखे हैं मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया फिर जैसे ही ये ए बी वेक्टर यहाँ पर ए और बी है तो इसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो एक्स टू माइनस एक्स वन कर सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन ठीक है तो ये सब चीज़ का जो है फील डेवलप करिए और फिर जैसे यूज़ करेंगे तो दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा लेकिन कॉन्सेपचुअली सब कुछ बहुत क्लियर होना चाहिए 2019 थाउजेंड नाइनटीन मेन्स का क्वेश्चन देखते हैं एर्थ अप्रैल सेकेंड शिफ्ट तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पहले पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ठीक है तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया है और फिर देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं तो इसमें क्या क्या रहा है इफ़ अ पॉइंट आर फोर कॉमा वाई कॉमा जेड तो कोई भी ये पॉइंट है लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स फिर हमें यहाँ पर दो पॉइंट्स दे दिए गए कि एक पॉइंट है पी टू माइनस थ्री फोर दूसरा पॉइंट है क्यू एट जीरो टेन ठीक है तो ये दो पॉइंट है और ये दो पॉइंट पर कोई ये जो लाइन है हमारा ठीक है स्ट्रेट लाइन है तो इस पर जो है ये पॉइंट लाई कर रहा है आर फोर कामा वाई कॉमा जेड तो इसका डिस्टेंस क्या होगा ऑरिजिन से तो अगर हमें ये वाई और जेड का वैल्यू पता चल गया तब तो, तो हम लोग डिस्टेंस सीधा निकाल सकते हैं ना रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाइन होल स्क्वायर प्लस डेड टू माइनस डेड हॉल स्वायर तो हमें बस वाई और जेड का वैल्यू पता लगाना है तो हम लोग क्या सोच सकते हैं कि लाइन सेगमेंट दिया गया है और दो पॉइंट्स दे दिया गया तो जैसे ही दो पॉइंट्स दे दिया गया अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग इसका इक्वेशन लिख सकते हैं ये लाइन का है ना तो ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा कि कोई भी आप पॉइंट ले लो एक्स वन वाई वन जेड वन तो एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई फिर एक्स टू माइनस एक्स वन तो एट माइनस टू सिक्स दिस इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन मतलब वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाई आपका वाई टू माइनस वाई वन तो जीरो माइनस माइनस थ्री आपका प्लस थ्री दिस इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन जेड माइनस फोर डिवाइडेड बाई जेड टू माइनस जेड वन टेन माइनस फोर सिक्स तो ये जो है ये हमारा लाइन का इक्वेशन आ गया ठीक है अब जैसे ही ये लाइन का इक्वेशन आ गया अब इसमें ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट आर है ये इसके ऊपर लाई कर रहा है ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा है है ना तो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है मतलब क्या कि इसको जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए है ना इसके जो भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं उसको अगर यहाँ पर डालेंगे तो फिर ये सेटिस्फाई होने चाहिए तो एक्स कोऑर्डिनेट मुझे पता है ठीक है तो मुझे ये वाला जो है रेशियो पता चल जाएगा कि फोर माइनस टू बाई सिक्स तो अब एक बार y के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और फिर सेम चीज़ को जेड के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमें जेड कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो एक्स माइनस टू बाई सिक्स इज़ इक्वल टू वाई प्लस थ्री बाई थ्री तो एक्स के जगह पर हम लोग ये फोर डाल देंगे है ना तो फोर माइनस टू बाई सिक्स इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री बाई थ्री तो ये टू बाई सिक्स आपका हो जाएगा तो टू बाई सिक्स अगर हुआ तो टू बाई है ना ये आपका क्या है ये आपका टू है ये टू बाई थ्री हो गया ये और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आपका वन है तो वाई इज इक्वल टू वन माइनस थ्री तो वाई आपका माइनस टू हो जाएगा ठीक है तो वाई कोऑर्डिनेट आ गया अब जेड कोऑर्डिनेट लाना है तो फिर हम लोग सेम चीज को इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं कि फोर माइनस टू बाई सिक्स इज इक्वल टू जेड माइनस फोर बाई सिक्स तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल ये टू प्लस फोर सिक्स तो जेड आपका सिक्स हो गया तो आपके पास आर का कोऑर्डिनेट्स आ गया फोर माइनस टू सिक्स तो जैसे ये आया अब बस ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ़ फोर माइनस जीरो स्क्वायर मतलब फोर स्क्वायर प्लस फिर माइनस टू माइनस जीरो स्क्वायर मतलब माइनस टू स्क्वायर प्लस फिर सिक्स स्क्वायर ठीक है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटीन प्लस फोर प्लस थर्टी सिक्स मतलब फोर्टी प्लस सिक्सटीन फिफ्टी सिक्स तो फोर इंटू फोर्टीन आपका फिफ्टी सिक्स तो टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टीन तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये ठीक है तो देख सकते हो कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो काफ़ी आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो अब नेक्स्ट और देखते हैं कि जैसे ही अब बेस कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो गया तो फिर आप लोग बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो अलग अलग कॉन्सेप्ट तो हम लोग देखते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या होगा तो मान लो हमारे पास दो लाइन दिए गए मतलब दो लाइन की इक्वेशन दिए गए हैं पहला लाइन ये है एल वन जिसका कि ये इक्वेशन है एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाई बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी वन तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन से पास कर रहा है और इसका जो डिरेक्शन रेशियोज है वो है ए वन बी वन सी वन फिर दूसरा लाइन है एल टू एक्स माइनस एक्स टू बाई ए टू इज टू वाई माइनस वाई टू बाई बी टू इज टू जेड माइनस जेड टू बाई सी टू तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्स टू कामा वाई टू जेड टू से पास कर रहा है और इसका जो डिरेक्शन रेशियोज है वो है ए टू बी टू सी टू ठीक है अब ये दोनों के बीच में एंगल निकालना है हमें थीटा तो एंगल कैसे निकाल सकते हैं तो मान लो कि इस डायरेक्शन में अगर हमें कोई वेक्टर पता होता है एन वन वैक्टर और इस डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर पता होता है एन टू वैक्टर तो हम लोग आसानी से उसका एंगल निकाल सकते हैं है ना यहाँ से हम लोग को पता है कि अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लिंक लेंगे एन वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर का तो मॉड ऑफ एन वन वैक्टर टाइम्स मॉड ऑफ एन टू वैक्टर टाइम्स कॉस् थीटा तो कॉस् थीटा यहाँ से सीधा ये निकल जाएगा एन वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एन वन एन टू तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को बस इस डरेक्शन में एक वैक्टर चाहिए इस डिरेक्शन में एक वैक्टर चाहिए तो वेक्टर कैसे मिलेगा जैसे ही हमें डरेक्शन रेशियोज पता है तो इस डिरेक्शन में एक वेक्टर क्या हो जाएगा कि ए वन आई क्या प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के क्या है, है ना या ये या हम लोगों ने अभी तक काफी बार देख लिया है तो ये चीज आपको करने आना चाहिए कि आपको अगर वेक्टर दिया गया है तो आपको डायरेक्शन रेशियोज पता होना चाहिए कैसे निकालना है और अगर डायरेक्शन रेशियोज पता है तो आपको वैक्टर लिखने आना चाहिए तो एन वन वैक्टर क्या हो जाएगा ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप फिर एन टू वैक्टर क्या लिख सकते हो ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप तो जैसे ही ये दो वेक्टर्स आ गए हमारे पास तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा है ना उसका कॉस्ट इनवर्स लोगे तो तो कॉस्ट डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है दो वेक्टर का कि ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू है ना ये भी हम लोगों ने वेक्टर एल्जेब्रा में देखा है फिर डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड तो स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर डॉट स्क्वायर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर ठीक है तो यहाँ से हम लोग का एंगल निकल जाएगा फिर से इसको पूरा रटने का वैसे ज़रूरत नहीं है लॉजिक को समझिए कि कैसे हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं कि मान लो पूछ दिया गया कि दोनों वैक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर है ठीक है और कोई एक वैल्यू दे देगा कि निकालो कि वैल्यू क्या है कोई एक अननोन हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा अगर ये परपेंडिकुलर है तो कॉस्ट 90 डिग्री क्या हो जाएगा जीरो तो मतलब ये वाला जो टर्म है ये आपका जीरो हो जाएगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो तो जो भी फाइंड आउट करना है वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है तो लॉजिक को समझिए कैसे हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं टू थाउजेंड नाइनटीन जेई मेन्स का तो ये क्वेश्चन पूछा गया था टू थाउजेंड नाइनटीन नाइन्थ अप्रैल सेकेंड शिफ्ट तो मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पॉज करिए एक बार खुद से ट्राई कीजिए फिर हम लोग सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है चलो तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है इफ़ दी लाइन्स एक्स इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी कॉमा जेड इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी तो पहला जो लाइन है उसमें ये दिया गया एक्स इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी और दूसरा जेड इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी और फिर दूसरा जो लाइन है उसमें दिया गया x b dash, है एक्स इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी है ना कॉमा y इज इक्वल टू सी डस जेड प्लस डी डस तो पहले तो यहाँ पर यह समझना है कि हम लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी तो उस फॉर्म में नहीं दिया गया है है ना मतलब कि कुछ तो डिफरेंट देगा ना एग्जाम में कि बच्चे साइक हो जाएँ और सॉल्व ना हो तो पहले तो उस फॉर्म में हमें लाना है उस फॉर्म में हम लोग कैसे ला सकते हैं कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं वाई के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई वन सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जेड माइनस डी बाई सी इज इक्वल टू वाई बाई वन तो यहाँ पर भी वाई इसके इक्वल है यहाँ पर भी वाई इसके इक्वल है तो हम लोग ये दोनों को मिक्स करके हम लोग ये लिख सकते हैं है ना कि एक्स माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस डी बाई सी तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन एल वन है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा ए वन सी है ना तो ए वन सी इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया ठीक है अब ये जो लाइन L2 है सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि x माइनस बी डस बाई ए डस इज इक्वल टू जेड बाई वन वाई माइनस डी डस बाई सी डस इज इक्वल टू जेड बाई वन दोनों को कम्बाइन करके हम लोग यहाँ पर ये यह लिख सकते हैं कि x माइनस बी डस बाई ए डस इज इक्वल टू वाई माइनस डी डस बाई सी डस इज इक्वल टू जेड बाई वन तो अब ये जो लाइन है L2, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया ए डस सी डस वन है ना तो अब इसका डायरेक्शन रेशियो पता है इसका डायरेक्शन रेशियो पता है अब पूछ रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर है तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं अगर सीधा ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो इस डिरेक्शन में एक वैक्टर क्या हो जाएगा ये लाइन के डिरेक्शन में हो जाएगा ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप है ना और इस डिरेक्शन में आपका एक वैक्टर क्या हो जाएगा ए डैस आई कैप प्लस फिर आपका सी डैस जे कैप प्लस फिर आपका k के केक तो अब कह रहा है कि दोनों जो है परपेंडिकुलर है है ना तो दोनों परपेंडिकुलर होगा तो क्या डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा मतलब a टाइम्स a डैस है ना a टाइम्स a डैस प्लस वन टाइम्स c डैस मतलब c डैस प्लस फिर c टाइम्स वन c टाइम्स वन इज इक्वल टू जीरो तो बस अब ऑप्शन देखना है कौन सा मैच कर रहा है तो ये वाला a a डैस प्लस c डैस प्लस c, c तो प्लस c डैस प्लस c इज इक्ल टू ज़ीरो तो देख सकते हो कि बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं प्रोवाइडेड कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर बहुत आसानी से ये सब क्वेश्चन कर सकते हो अब मैं आप लोग को नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन दो जो है 2019 थाउजेंड जेई मेन्स के ही क्वेश्चन है तो ये मैं एज एन एक्सरसाइज देना चाहता हूँ ये 2019 थाउजेंड नाइनटीन जे मेन्स का अच्छा बात क्या है कि आपके पास टोटल कितने सेट्स हैं कि जनवरी में टोटल मॉर्निंग इवनिंग मिला लोगे तो फिर आठ और फिर अप्रैल के मॉर्निंग इवनिंग आठ तो टोटल सिक्सटीन सेट्स हैं और हर सेट में वेक्टर एल्जेब्रा से एक क्वेश्चन और थ्री ज्योमेट्री से दो क्वेश्चन इस टाइप से तो टोटल तीन क्वेश्चन वेक्टर एल्जेब्रा और थ्री ज्योमेट्री तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं 2019 थाउजेंड जेई मेन्स के क्वेश्चन से और उन लोगों ने किया क्या है कि ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश किया मतलब ये नहीं कि हर पेपर में सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आप लोग को ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट पे जो है क्वेश्चन मिल सकते हैं ठीक है अब ये जो दो क्वेश्चन हैं इनका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज के वीडियो में डिस्कस नहीं किया है ठीक है इसका कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लेकिन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार खुद से सोचिए है ना सब कुछ आप लोग को बताया नहीं जाएगा एक बार खुद से दिमाग पे जोर लगाइए कि ये सब चीज़ कैसे निकाल सकते हो कि एक लाइन है और फिर एक पॉइंट है और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर मतलब कि एक हमारा लाइन है ठीक है एक ये पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं मतलब कि ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है ये डिस्टेंस हमें निकालना है तो इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा कि आप कैसे कर सकते हो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ये जो लाइन है एल है ना तो इसका डायरेक्शन रेशियो हमें पता है ठीक है ये पॉइंट हमें पता है अब मैं कोई भी जनरल पॉइंट ले सकता हूँ इसके लाइन के ऊपर ठीक है पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लीजिए कोई भी जनरल पॉइंट और फिर आप क्या करिए कि जैसे ही वो जनरल पॉइंट मान लो कि ये एम है तो यहाँ से आप लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो ये लाइन का है ना दोनों का कोऑर्डिनेट सब कर दोगे तो यहाँ का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा फिर ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो आप लोग डॉट प्रोडक्ट लोगे है ना जो भी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो फिर वो ज़ीरो होना चाहिए ठीक है तो फिर वहाँ से आपको ये एम मिल जाएगा तो जैसे ये कॉर्डिनेट मिल जाएगा तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा ठीक है तो ये थोड़ा सा हिंट हो गया आपका लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इस कॉन्सेप्ट को हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया ये पहला डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में आज के वीडियो में इक्वेशन ऑफ लाइन देख लिया एंगल बिटवीन टू लाइंस देख लिया अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन फुट ऑफ परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे ठीक है और आज के लिए आप लोग जो दो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स मैंने दिए वो ट्राई करके और जिसका भी जो भी आंसर आता है वो आंसर आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा ठीक है और कोशिश जरूर कीजिएगा थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए ये।, ये नहीं कि ये कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं है तो फिर आप लोग अटैम्प्ट नहीं करोगे थोड़ा सा खुद के दिमाग पर जोर दीजिए ये जो मैंने हिंट्स दिया था इसके ऊपर खुद से सोचिए अगर खुद से कोई चीज़ सोच लेते हो तो फिर उसका मज़ा ही अलग होता है ठीक है तो इसके साथ ये वीडियो को यहीं पर रखते हैं और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो जेई मेन से लेके जेई एडवांस तक के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे जेई एडवांस में क्या करता है जनरली कि क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी बना देता है यहाँ पर क्वेश्चन उतने लेंदी नहीं होते हैं मेन्स में बस एडवांस में दो तीन कॉन्सेप्ट को कम्बाइन करेंगे और फिर एक लंबा सा क्वेश्चन बना देंगे बस वही रहता है तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद और फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है और ये आंसर ये कमेंट्स में लिखिएगा और जो भी आप लोग का फीडबैक है वो भी कमेंट्स में लिखते रहिए तो बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में